का जो हमारा टॉपिक है वो है रेसिप्रोकल इक्वेशन। जैसे कि इससे पहले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, यहाँ पे हम उसी काइंड ऑफ उसी टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 6x^5 प्लस x^4 माइनस 43x³ माइनस 43x² प्लस x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए पहले एंड से मैग्नीट्यूड और लास्ट एंड से मैग्नीट्यूड सेम है। पहले एंड का साइन देखिए यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। दैट मीन्स आपका डिग्री और कैसा है 5, मतलब कि आपका जो गिवन क्वेश्चन है वो कैसा इक्वेशन है, ऑड डिग्री का इक्वेशन है और आपका मैग्नीट्यूड और सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन। इस केस में आपका जो रूट होता है वो होता है -1, मतलब कि अगर ऑड डिग्री है और सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन है तो आपका एक रूट क्या होगा, -1। अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे एक सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम -1 से सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे सारे कोफिशियंट्स लिखे हुए हैं, x5 का कोफिशियंट 6, वैसे ही x4 का कोफिशियंट 1, x³ का कोफिशियंट -43, x² का कोफिशियंट -43, x का कोफिशियंट 1 और आपका कांस्टेंट टर्म। अब जैसे मैंने पहले भी आपको सिंथेटिक डिवीजन बताया है, पहला टर्म एज इट इज आता है, 6 × -1 कितना आया, -6, 1 - 6 आपको वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे, -5, -5 × -1 वैल्यू क्या मिली, +5, -43 + 5 आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, -38। फिर से आप मल्टीप्लाई कीजिए, -38 × -1 आपको वैल्यू क्या मिली, +38, -43 + 38 आपको यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है, -5। यहाँ वापस से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे आपको वैल्यू मिली 5, 1 + 5 आपको वैल्यू मिली 6 और यहाँ वैल्यू आपको कितनी मिली, -6। देखिए अपने आप आपका एक वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, 0। दैट मीन्स आपका ये जो गिवन इक्वेशन था जिसकी डिग्री कितनी थी 5, ये रिड्यूस होके कितने में आ गई, 4 पे आ गई। मतलब कि हमको जो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होके मिला वो क्या मिला, 6x^4 -5x³ -38x² -5x +6 = 0। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हम पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आप x को क्या पुट, x को आप पुट करोगे, सॉरी हम यहाँ पे अब डिवाइड करने जा रहे हैं बाई x², हम x² से इक्वेशन 2 को डिवाइड करने जा रहे हैं। तो देखिए आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, 6x² -5x -38 -5/x +6/x². अब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो देखिए हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, 6x² +1/x² -5x +1/x -38 = 0। आप इसको एक इक्वेशन नंबर यहाँ पे दे दीजिए, लेट इट इक्वेशन नंबर 3। अब हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं, कुछ वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं, देखिएगा क्या पुट करेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, हम x प्लस 1/x को पुट करते हैं y, सिमिलरली x² प्लस 1/x² को हम पुट करते हैं y² -2। हम ये पूरी के पूरी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने जा रहे हैं। तो आपका जो इक्वेशन 3 बनता है, क्या बनेगा आपका इक्वेशन 3, 6x² प्लस 1/x² की जगह पे हमने क्या पुट किया, y पुट किया, तो यहाँ पे क्या मिल, y² -2 पुट किया, तो यहाँ पे क्या बना, y² -2, यहाँ पे बना -5y -38 = 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 6y² -12 -5y -38 = 0। तो हमको जो इक्वेशन मिल रहा है, जो हमको इक्वेशन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपको, इक्वेशन 6y² -5y माइनस आपको कितना मिल रहा है, 50 = 0।
तो आपको y के यहाँ पे रूट मिल रहे हैं, दो रूट मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है 10/3, और दूसरा वैल्यू मिल रहा है आपको माइनस ऑफ 5/2। अब हमने y को क्या लेट किया था, x प्लस 1/x, मतलब इस वैल्यू को हम एक बार 10/3 से इक्वेट करेंगे और सेम वैल्यू को एक बार हम माइनस ऑफ 5/2 से इक्वेट करेंगे। जब हम इसको 10/3 से इक्वेट करें, देखिए ऐसे हम इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 10/3x। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा, क्या इक्वेशन मिलेगा, 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहां से आपको x की दो रूट मिल रही है, एक रूट मिल रही है 3, दूसरी रूट मिल रही है 1/3। सिमिलरली जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे x होगा x प्लस 1/x इक्वल्स टू माइनस 5/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको x की यहाँ से फर्दर दो वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू मिल रही है माइनस 2, दूसरी वैल्यू मिल रही है माइनस ऑफ 1/2। तो देखिए आपके रूट्स क्या क्या मिले, एक रूट आपको क्या मिला माइनस ऑफ 1, दूसरा रूट आपको क्या मिला 3, एक रूट मिला 1/3, माइनस 2 एंड माइनस ऑफ 1/2। क्योंकि आपका जो गिवन इक्वेशन था उसका डिग्री कितना था 5, मतलब आपको 5 रूट निकालने थे, तो आपके ये सारे 5 रूट आपको मिल गए। ये था आपके गिवन इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन।